नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 13 है, पार्ट नंबर 13 है अनुसंधान योग्यता का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखिए साथ साथ, लिखते जाइए, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। अगर आपके पास लिखने का टाइम बिल्कुल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसके जरिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली वीडियो और पीडीएफ लिंक मिलेगा और आपको लिखना नहीं पड़ेगा। पेपर वन और पेपर टू का फ्री में कोर्स करने के लिए जुड़ी हमारे चैनल के साथ। अगर आपका पेपर टू पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो डेली वीडियो आ रहा है इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को देखिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए, आपकी तैयारी फ्री में हो जाएगी, आपको कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। आपको हमारा स्टडी भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्री कोर्स का। आपको अगर डेली वीडियो और पीडीएफ लेक्चर भी चाहिए तो आप हमारा पेपर वन पेपर टू का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको डेली वीडियो और पीडीएफ मिलेगा, आपको लिखना जिसे नहीं पड़ेगा। और अगर आपको पेपर वन का कंप्लीट कोर्स पीडीएफ चाहिए या आपको घर बैठे बैठे स्टडी मटेरियल मंगवाना है तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण, यानी कि पोस्टविज्म एंड पोस्टविस्टिक अप्रोच। तो ये अनुसंधान योग्यता का, तो ये एक दो लेक्चर रह गए हैं तो आज इसको हम कवर कर लेंगे। तो देखिए, हम जानने की कोशिश करते हैं प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण क्या है। देखिए, प्रत्यक्षवाद क्या है कि इसमें हम जो चीज़ें वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यानी कि जो साइंटिफिक चीज़ों पर आधारित होती हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्षवाद। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के होने का सबूत होना। सबूत कहाँ पर मिलेगा आपको? साइंस में, यानी कि विज्ञान में। ठीक है, जो चीज़ें विज्ञान द्वारा प्रमाणित होती हैं वो आती हैं प्रत्यक्षवाद में। जो चीज़ें, जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कॉमन सेंस से, अपने सामान्य ज्ञान से, अपने अनुभव से, वो आती हैं प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में। तो प्रत्यक्षवाद है क्या, जानते हैं? प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि कुछ निश्चित ज्ञान प्राकृतिक घटनाओं और उनके गुणों और संबंधों पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि कुछ जो निश्चित ज्ञान है, निश्चित ज्ञान क्या है? जो सकारात्मक है, यानी कि वो ज्ञान जो वाकई सचमुच में है। ठीक है, वो किस पर आधारित होगा? वो आधारित होगा प्राकृतिक घटनाओं पर और उनके गुणों और संबंधों पर। गुणों और संबंधों मैंने कि दो चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, उसमें क्या क्या खासियत है। ठीक है, इस प्रकार कारण और तर्क के माध्यम से व्याख्या की गई संवेदी अनुभव से प्राप्त जानकारी सभी निश्चित ज्ञान का अन्य स्रोत बनाती है। यहाँ पे क्या है कि देखिए, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ें, अगर हम कोई चीज़ है उसको हम अपने अनुभव से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे पहले ज़माने में होता था कि कोई चीज़ें हैं, फिलोसोफर आपने देखे होंगे कई हो चुके हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल है ना, अरस्तु, कई हो चुके हैं, उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से आपको सभी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं। पर जब साइंस का आविष्कार हुआ, विज्ञान का आविष्कार हुआ, कई नई चीज़ें देखने को मिली, वहाँ पर उनकी कई फिलोसफी हैं वो गलत पाई गई। तो कहने का सिंपल ये मतलब है, अगर हम ओनली अपने अनुभव से प्राप्त जानकारी के ऊपर जाएं तो प्रत्यक्षवाद में हम वो चीज़ में धोखा खा सकते हैं। तो इसलिए होगा क्या, हमें इसमें जो विज्ञान से प्रमाणित है, जो साइंटिफिक चीज़ें प्रूव हैं, उसको अगर हम मान के चलते हैं तो हम सही निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, प्रत्यक्षवाद यह भी मानता है कि भौतिक दुनिया की तरह समाज भी सामान्य कानूनों के अनुसार काम करता है। देखिए, प्रत्यक्षवाद का मानना यह भी है कि जैसे हमारी भौतिक दुनिया है, ठीक है, भौतिक दुनिया मतलब कि जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं अपने आसपास, ठीक है, वो है भौतिक दुनिया, उसकी तरह समाज भी, समाज क्या है, जो हमारी सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है, उसमें भी सामान्य कानूनों के अनुसार ही काम होता है। अब देखिए, सामान्य कानून होते हैं सोसाइटी को चलाने के लिए, सामान्य कानून होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक समाज आपसे ही स्टार्ट होगा। ठीक है, हम कहते हैं समाज, समाज समाज की इकाई क्या है? एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, उसका परिवार, उसका गली मोहल्ला, उसका शहर, उसका राज्य, उसका देश, ये मिलकर क्या बनाएगा? ये एक समाज बनाएगा। ठीक है, आत्मनिरीक्षण और सहज ज्ञान को खारिज कर दिया गया है क्योंकि तत्व मीमांसा और धर्मशास्त्र संबंधी रूपक है और धर्मशास्त्रीय दावों को भावना अनुभव द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम अपने आत्मनिरीक्षण द्वारा और सहज ज्ञान, यानी कि हमारे अपने हम बुद्धिमत्ता के ज्ञान से, दिमागी ज्ञान से और आत्मनिरीक्षण के द्वारा अगर हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो लागू नहीं हो सकता क्योंकि उसके गलत होने के काफ़ी आसार हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले बताते थे कि ये चीज़ें बहुत
ज़रूरी हैं, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, पर इसको साइंटिफिकली प्रूफ करें, है ना, वो चीज़ें वहाँ पे गलत पाई जाएंगी। ठीक है, अगर आप मान के चलोगे किसी चीज़ के बारे में ये चीज़ ऐसे बनी होगी तो वो चीज़ ऐसे नहीं बनती, उस चीज़ को बनाने के लिए आपको कई तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं जो साइंस में होती हैं। ठीक है, वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो सिंपल सा मतलब है कि प्रत्यक्षवाद में वो चीज़ें प्रमाणित होंगी जो विज्ञान पर आधारित होंगी, जो विज्ञान पर नहीं आधारित होगा वो प्रत्यक्षवाद में नहीं आ सकता। प्रत्यक्षवाद दर्शन और कविता के बीच एक अधिक सामान्य प्राचीन झगड़े का हिस्सा है, विशेष रूप से प्लेटो द्वारा निर्धारित और बाद में विज्ञान और मानविकी के बीच झगड़े के रूप में सुधार किया गया। अब देखिए, प्रत्यक्षवाद दर्शन क्या है, यहाँ पे क्या था, जो प्लेटो ने अपने कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें निर्धारित की थी, ठीक है, तो बाद में जब विज्ञान ने प्लेटो द्वारा कही गई चीज़ों को प्रूफ करने की कोशिश की, उसकी कई चीज़ें गलत पाई गई। ठीक है, जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, वो उसका कई नियम ऐसे थे जो प्लेटो ने बताए थे पर बाद में वो गलत साबित हुए। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, जो लोग थे वो गलत ज्ञान को रखते थे। देखिए फ्रेंड्स, वैसे भी होता क्या है कि अधूरी जानकारी वैसे ही बहुत खतरनाक होती है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में अधूरी जानकारी रखोगे तो आप हमेशा धोखे में रहोगे, वही चीज़ आपको साइंटिफिकली प्रूफ हो तो आप उसको कर पाओगे। ठीक है, प्रत्यक्षवादियों के पास एक सरल समाधान है, दुनिया को उसमें विभाजित किया जाना चाहिए जिसमें हम स्पष्ट रूप से बाकी कह सकते हैं, जिसे हमने मौन से बेहतर पास। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्यक्षवादियों का सरल समाधान है, यहाँ पे क्या है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल सटीक ज्ञान प्राप्त है तो उस चीज़ के बारे में आप में क्या है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस आएगा ना उसमें। अगर आप किसी के बारे में श्योर हो ही नहीं, आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा, ठीक है, आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, ठीक है, उसमें हर एक चीज़ की कमी पाई जाती है। आत्मविश्वास की कमी कहाँ से आती है, जब हमें अधूरा ज्ञान होता है। तो पहले ज़माने में ऐसे होता था, अधूरा ज्ञान होता था, ठीक है, जब वो चीज़ें साइंटिफिक प्रूफ होने लग गई तो उसमें काफ़ी सुधार किए गए। लेकिन क्या कोई एक और व्यर्थ दर्शन की कल्पना कर सकता है जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि अगले कुछ भी नहीं करने के लिए स्पष्ट रूप से, देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट लाइन में पढ़ लेते हैं एक बार, यदि हम यह सब छोड़ चुके हैं जो अस्पष्ट है तो हम शायद पूरी तरह से निर्बाध के साथ रह जाएंगे। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हम बिना साइंस को टेस्ट किए, बिना विज्ञान की टेस्ट की चीज़ों को मान के चलते हैं तो हम हमेशा धोखे से रहेंगे, हमें स्पष्ट रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो अधूरा होगा या तो गलत होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी हर एक चीज़ में जो जिज्ञासा है, जो हमारा इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद में सिंपल सी बात याद रखिए, इसमें हम वही चीज़ों को प्राप्त करते हैं जो विज्ञान द्वारा प्रमाणित होती है, बिना विज्ञान के प्रमाणित चीज़ यहाँ पे प्रत्यक्षवाद में लागू नहीं होती। ठीक है, हमारी सोच से हम कुछ भी यहाँ पे लिखें वो प्रमाणित नहीं होगा, सिर्फ विज्ञान द्वारा चीज़ें प्रमाणित यहाँ पे लागू होंगी। नेक्स्ट है प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में हम दो चीज़ों को मान के चलते हैं, पहली बात तो यह है कि हम इसमें विज्ञान द्वारा प्रमाणित चीज़ों को लेते हैं प्लस अपने आत्मज्ञान, अपने बुद्धि ज्ञान को इसमें, यानी कि कॉमन सेंस को इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि साइंस हमेशा कभी भी इतना सटीक ज्ञान आपको नहीं दे सकती। ठीक है, साइंस हर एक चीज़ को क्या है, विज्ञान हर एक चीज़ को क्या है, प्रमाणित तो कर सकता है पर कुछ जगहों पर उसे वो प्रमाणित नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे देखिए साइंस ये कहता है, विज्ञान ये कहता है कि एक भगवान नहीं है, पर लोगों का मानना है, सभी का मानना है कि भगवान है। ठीक है, तो यही चीज़ें इसमें, कुछ चीज़ें हम अपनी कॉमन सेंस से करनी होती हैं, कुछ चीज़ें साइंस से करनी होती हैं। ठीक है, हालांकि 20वीं शताब्दी के मध्य से चीज़ें विज्ञान के विचारों में बदल गई हैं, संभवतः सबसे महत्वपूर्ण हमारी स्थिति को प्रत्यक्षवाद से दूर किया गया है, जिससे बाद में सकारात्मकता कहा जाता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति क्या है, प्रत्यक्षवाद की, हमें दूर कर दिया गया। क्यों दूर किया गया, देखिए पहले प्रत्यक्षवाद में क्या होता था कि हम अपने अनुभव से चीज़ों को बताते थे, पर उसमें साइंस विज्ञान आ गया तो हम उससे दूर हो गए। ठीक है, क्यों दूर हुए, क्योंकि ताकि चीज़ों को सकारात्मक तौर पर बताया जाए। देखिए प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण मानता है कि वैज्ञानिकों के सोचने और काम करने के तरीके और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमारे सोचने के तरीके अलग अलग नहीं हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर जो वैज्ञानिक जो चीज़ सोचते हैं, जो काम करते हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम करते हैं, सोचते हैं, उन तरीक़ों में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। एक आम इंसान भी वैसे ही सोचेगा, एक साइंटिस्ट भी वैसे ही सोचेगा।
वैज्ञानिक तर्क और सामान्य ज्ञान तर्क अनिवार्य रूप से एक ही प्रक्रिया है। देखिए जो वैज्ञानिक तर्क है या सामान्य ज्ञान है, जो तर्क है वो अनिवार्य रूप से एक ही प्रक्रिया है, यानी कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे आप उस चीज़ को जानने की कोशिश करोगे, वैज्ञानिक चीज़ को सोचेगा वो भी जानने की कोशिश करेगा, तो दोनों का प्रोसेस, दोनों की प्रक्रिया सेम ही होती है, सोचने का तरीका कभी भी अलग नहीं होता। ठीक है, दोनों के बीच की तरह का कोई अंतर नहीं है, केवल डिग्री में अंतर, डिग्री में अंतर है, वो वैज्ञानिक है, हमारे में इंसान है। ठीक है, सोचने का तरीका तो एक ही है। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण मानता है कि सभी अवलोकन अस्पष्ट हैं और इसमें त्रुटि है, और यह सभी सिद्धांत पुनरीक्षण योग्य है। अब देखिए क्या है कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि जो जो सभी अवलोकन जो हैं वो अस्पष्ट हैं, इसे टेस्ट करने के लिए इसमें कुछ एरर ना हो, कुछ गलतियां ना हो, इसे टेस्ट करने के लिए क्या है, हमें पुनरीक्षण करना होगा, यानी कि जो चीज़ें जिसमें लगता है कि गलती पाई जाती है उसे टेस्ट करने की कोशिश की जाए। जहाँ प्रत्यक्षवादी का मानना था कि विज्ञान का लक्ष्य सत्य को उजागर करना था, वही बाद के सकारात्मकवादियों का मानना है कि विज्ञान का लक्ष्य वास्तविकता के बारे में सही तरीके से लक्ष्य प्राप्त करना है, भले ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए है क्या कि प्रत्यक्षवादी जो थे वो ये मानते थे कि विज्ञान का क्या लक्ष्य है, सत्य को बताना, यानी कि जो प्रत्यक्षवादी थे वो क्या करते थे कि सत्य को बताना है, पर जो सकारात्मकवादी आए थे उनका भी लक्ष्य यही था कि चीज़ों के बारे में वास्तविकता बताना। देखिए एक तरफ को सत्य को बताया जा रहा है, सच को बताया जा रहा है, एक तरफ चीज़ की वास्तविकता को बताया जा रहा है। ठीक है, चाहे हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे हम वास्तविकता के बारे में हर चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते, पर हम सच के बारे में जान सकते हैं। अब देखिए जो अनुसंधान है, जो शोध है, जो रिसर्च है, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि हमें सत्य को ढूंढना होता है। ठीक है, तो उसमें प्रत्यक्षवादी और प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण काम में आता है। रिसर्च का क्या मतलब है, अनुसंधान का क्या मतलब है कि हमें किसी चीज़ के बारे में सत्य को जानना, जिसमें प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण यह जानने की कोशिश करता है कि हमें वो चीज़ कैसे जाननी है, किस प्रकार जाननी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रत्यक्षवादी में हम विज्ञान द्वारा प्रमाणित चीज़ों को, साइंटिफिक प्रूफ चीज़ों को देखेंगे, तो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में हम विज्ञान के साथ साथ अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण यही मानता है कि साइंस में ऐसा सही नहीं रहती, इसमें हमें अपनी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है। तो ये था आज का लेक्चर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।